Subscribe to Wap Institute and get the international educations about computers and technical science. Welcome viewers, here is your admin Saurabh. In this video we are going to intro CSS pseudo element. So let's achieve in Hindi language. Guys, इस वीडियो में हमें CSS का pseudo element chapter पढ़ना है. ये वीडियो CSS pseudo classes का continuation है. So kindly इस वीडियो को पढ़ने से पहले आप CSS के pseudo classes chapter को पढ़ लें. Okay? So pseudo का मतलब है कंडीशंस प्रोवाइड करना अपने प्रॉपर्टीज और वैल्यूज में. मींस आप चाहते हो CSS के प्रॉपर्टीज और वैल्यू को अपने थॉट के अनुसार कंट्रोल करना, तो उस मेथड को या उस प्रोसेस को हम pseudo के नाम से जानते हैं. अब ये एलिमेंट क्या होता है इसको समझते हैं. सो इसको समझने के लिए मैं एक HTML डॉक्यूमेंट रेडी करता हूँ, आप उसे प्रॉपर्ली फॉलो करें. एक HTML एलिमेंट में स्टार्टिंग टैग होता है, क्लियर, कंटेंट होता है और क्लोजिंग टैग होता है. तो आप कहोगे कि ये एक HTML एलिमेंट है, क्लियर. अब आपसे पूछा जाएगा कि ये कौन सा एलिमेंट है, तो आप कहोगे कि ये पैराग्राफ एलिमेंट है या पी एलिमेंट है. बेसिकली जो टैग का नाम होता है उसी एलिमेंट के नाम से हम इसको जानेंगे. एक और एग्जाम्पल देखते हैं. एक HTML एलिमेंट में स्टार्टिंग टैग होता है, कंटेंट होता है और क्लोजिंग टैग होता है, क्लियर, ओके. तो इसे हम कहेंगे स्टार्टिंग टैग, इसे हम कहेंगे कंटेंट और इसे हम कहेंगे क्लोजिंग टैग, क्लियर. अब समझते हैं pseudo एलिमेंट का क्या काम है. गाइज, pseudo एलिमेंट का काम है कि किसी एलिमेंट में जो कंटेंट आपने राइट किया है उस कंटेंट के स्पेशल एरिया में अगर आप कोई टास्क परफॉर्म करना चाहते हो तो आप pseudo एलिमेंट का उपयोग करोगे. इसको आप प्रैक्टिकली ही समझ सकते हो. बेसिकली आप इन्हें फॉलो करें, आप इन्हें रिमेंबर कर लें कि CSS में इतने सारे pseudo एलिमेंट होते हैं. आफ्टर, बिफोर, फर्स्ट लेटर, फर्स्ट लाइन, सेलेक्शन, क्लियर. तो सबसे पहले अचीव करते हैं फर्स्ट लेटर pseudo एलिमेंट का क्या काम है और फर्स्ट लाइन pseudo एलिमेंट का क्या काम है. एग्जाम्पल के तौर पे इन सारे pseudo एलिमेंट को हमने p टैग में लगाया है. आप किसी भी टैग में लगा सकते हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है. और एज अ डेफिनेशन हमने डिफाइन किया है कि आफ्टर का उपयोग हमें कहाँ करना है, बिफोर का उपयोग हमें कहाँ करना है. आप इसे नोट डाउन कर लो, मैं प्रैक्टिकली आपको समझाने का कोशिश करता हूँ. सिंपली मैं एक एलिमेंट लेता हूँ पैराग्राफ, ओके. आप कोई भी एलिमेंट ले सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आप पैराग्राफ का ही यूज करें. मैं यहाँ राइट कर देता हूँ वैप स्टैंड्स फॉर विंडोज़ एप्लीकेशंस एंड प्रोग्रामिंग इंस्टीट्यूट, क्लियर, ओके. अब मैं चाहता हूँ अगला लाइन लिखना, तो मैं सिंपली से ब्रेक कर देता हूँ ताकि जो मैं अगला लाइन्स लिखूँगा वो प्रीव्यू में अगले लाइन से शो होंगे, ओके. मैंने इसको पेस्ट कर दिया, फिर मैं ब्रेक टैग लगा देता हूँ, फिर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ. सिंपली मैंने पैराग्राफ टैग को क्लोज कर दिया. अब जरा आप रन करके चेक करें कि ये किस तरह का दिख रहा है, ओके. ये कुछ ऐसा दिख रहा है, यस. अब मैं कंट्रोल करता हूँ इस एलिमेंट के अंदर के कंटेंट को. ये एक एलिमेंट है और ये तीनों क्या है, इनके लिए कंटेंट है, क्लियर. अब मैं चाहता हूँ किसी स्पेशल कंटेंट में कोई बदलाव करूँ, तो मैं कैसे कर सकता हूँ. तो इस एलिमेंट का ये पहला लाइन है, ओके. ये इस एलिमेंट का पहला लाइन है और ये दूसरा, ये तीसरा. तो मैं चाहता हूँ कि इस एलिमेंट का जो पहला लाइन है मैं इसमें कुछ बदलाव करूँ, तो मैं क्या करूँगा. सिंपली मैं इसमें फर्स्ट लाइन, क्लियर, फर्स्ट लाइन pseudo एलिमेंट का उपयोग करूँगा. कैसे, उसको देखते हैं. सिंपली आप CSS के कोड को एक्टिवेट करो स्टाइल टैग की मदद से, ओके. और स्टाइल के बीच में आप CSS के कोडिंग को राइट करोगे. तो सिंपली आप pseudo एलिमेंट का उपयोग करना चाहते हो, तो पहले तो आप एलिमेंट सेलेक्ट करोगे, कि किस एलिमेंट में आप स्यूडो एलिमेंट का यूज़ करना चाहते हो। तो मैं चाहता हूँ पैराग्राफ एलिमेंट में स्यूडो एलिमेंट का उपयोग करना, इसलिए मैंने पी एलिमेंट को सेलेक्ट किया। स्यूडो एलिमेंट ध्यान रखें रिजोल्यूशन ऑपरेटर से स्टार्ट होता है, इन्हें प्रोग्रामिंग के शब्दों में रिजोल्यूशन ऑपरेटर कहा जाता है। उसके बाद आप अपने स्यूडो एलिमेंट का नाम लिखें, जैसे मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट लाइन। तो इसका क्या मतलब है, अब आप मिडिल ब्रैकेट के अंदर प्रॉपर्टीज़ और वैल्यू को राइट करोगे। ओके, तो अब मिडिल ब्रैकेट के अंदर जो भी प्रॉपर्टीज़ और वैल्यू राइट करोगे वो प्रॉपर्टीज़ और वैल्यू इस पैराग्राफ एलिमेंट के फर्स्ट लाइन में काम करेंगे। क्लियर? ओके, इसका मतलब ही है आपने किसको सेलेक्ट किया है, पी एलिमेंट को, और उसमें आपने लगाया है फर्स्ट लाइन स्यूडो एलिमेंट। तो इसका मतलब है पी एलिमेंट के फर्स्ट लाइन में आप कुछ बदलाव करना चाहते हो। क्या बदलाव करना चाहते हो, उसका प्रॉपर्टीज़ और वैल्यू सिंपली आप राइट कर दो। तो मैं चाहता हूँ उसका कलर चेंज हो जाए, तो मैंने कलर चेंज कर दिया ब्लू। मैं चाहता हूँ कि उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए येलो में, तो मैंने बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया येलो। तो आप ध्यान दें ये प्रॉपर्टीज़ और वैल्यू कहाँ काम करेंगे, पैराग्राफ एलिमेंट के फर्स्ट लाइन में। क्लियर? तो आप क्या कर रहे हो, ये क्या है, स्यूडो एलिमेंट है। मैंने क्या कहा, स्यूडो किसे कहा जाता है, जब आप प्रॉपर्टीज़ में कंडीशंस अप्लाई करना चाहते हो तब आप स्यूडो का उपयोग करते हो। तो आप कंडीशंस ही तो अप्लाई कर रहे हो ना। ये कब काम कर रहा है या कहाँ काम कर रहा है, पैराग्राफ के फर्स्ट एलिमेंट में काम कर रहा है। मीन्स आप इसको अपने थॉट के अनुसार इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को कंट्रोल कर रहे हो, किसके द्वारा, स्यूडो के द्वारा। अब ये स्यूडो या तो क्लास हो सकता है, नहीं तो एलिमेंट हो सकता है। तो स्यूडो क्लास क्या होता है, इसको समझने के लिए आप मेरे प्रीवियस वीडियोज़ को देखें, वो समझ में आ जाएगा। बेसिकली आप कैसे पहचानोगे कि ये एक स्यूडो क्लास है या एलिमेंट है। अगर ये स्यूडो क्लास होता तो इसमें एक रिजोल्यूशन ऑपरेटर लगा होता, लेकिन ये स्यूडो क्लास नहीं है, ये एक स्यूडो एलिमेंट है। तो आप कैसे पहचानोगे, सिंपली इसके पहले अगर दो रिजोल्यूशन ऑपरेटर लगे हो तो आप कहोगे कि ये एक स्यूडो एलिमेंट है। क्लियर? सो इसको रन करके देखते हैं कि पैराग्राफ के फर्स्ट लाइन में कलर ब्लू हुआ या नहीं, या उसका बैकग्राउंड येलो हुआ या नहीं। सिंपली आप सेव करके रन करके चेक करें। यस, ओके। सो अगर मैं ये ना लगाऊँ तो क्या होगा, अगर मैं ये ना लगाऊँ तो सिंपली पैराग्राफ में जितने भी कंटेंट है सारे कंटेंट ऐसे दिखाई देंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ पैराग्राफ के फर्स्ट लाइन में बदलाव करना, तो सिंपली मुझे कौन सा स्यूडो एलिमेंट उपयोग करना होगा, फर्स्ट लाइन। क्लियर? ओके, ये क्या है, रिजोल्यूशन ऑपरेटर। इसके लिए एक आइडेंटिटी, ये रिजोल्यूशन ऑपरेटर ही आपको समझा रहा है कि ये क्या है, स्यूडो एलिमेंट है। अगर एक रिजोल्यूशन ऑपरेटर हो तो आप क्या समझोगे, स्यूडो क्लासेस। अगर दो रिजोल्यूशन ऑपरेटर हो तो आप क्या समझोगे, स्यूडो एलिमेंट। ओके, सो आप रन करके चेक करें कि पैराग्राफ के फर्स्ट लाइन में कुछ बदलाव हुआ या नहीं। ओके, एक और एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं, फर्स्ट लेटर का उपयोग समझ लेते हैं। तो फर्स्ट लेटर का क्या काम है, फर्स्ट लेटर का काम है जिस एलिमेंट को आपने सेलेक्ट करके फर्स्ट लेटर स्यूडो एलिमेंट दिया है, तो इसका मतलब होगा उस एलिमेंट के फर्स्ट लाइन का फर्स्ट लेटर बदल जाएगा। ओके, तो सिंपली मैं यहाँ पास कर देता हूँ फर्स्ट लेटर। ओके, तो इसका क्या मतलब हुआ, पैराग्राफ एलिमेंट के फर्स्ट लाइन का फर्स्ट लेटर का कलर ब्लू होगा और उसमें बैकग्राउंड कलर येलो आ जाएगा। ओके, मैं और भी प्रॉपर्टीज़ यूज कर सकता हूँ। सिंपली मैं राइट कर देता हूँ फॉन्ट साइज 40 पिक्सल्स। तो क्या मतलब हुआ इसका, ये तीनों प्रॉपर्टीज़ और वैल्यू कहाँ लागू होंगे, पैराग्राफ के फर्स्ट लाइन के फर्स्ट लेटर में। ओके, तो पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन कौन है, ये, और इसका फर्स्ट लेटर कौन है, डब्लू। तो इसका मतलब है ये जो डब्लू है उसका कलर ब्लू होगा, बैकग्राउंड कलर येलो होगा और फॉन्ट साइज 40 पिक्सल्स होगा। सिंपली आप सेव करके रन करके चेक करें। यस, सो गाइस, अगर ये वीडियो समझने में प्रॉब्लम्स आई हो तो काइंडली इस वीडियोज को मैक्सिमम टाइम देके ऑटोमेटिक ये वीडियोज आपको समझ में आ जाएगा। ओके, सो काइंडली मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस को प्रमोट करें, मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन पे क्लिक करें। सो स्टे ट्यून टू आवर चैनल गाइज। Thanks for watching my videos. Have a great day. Subscribe to Wap Institute and get the international educations about computers and technical science.